हेलो फ्रेंड्स, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। चूंकि आज गुरु पर्व है तो आप सभी को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाहे गुरु आप सभी के झोली में ढेर सारी खुशियां भर दें। आज हम भारत सरकार द्वारा कृषि के तीनों नए कानूनों को वापस लेने के संबंध में बात करेंगे। 9 अगस्त सन 2020 से भारतीय किसान यूनियन द्वारा देश के अलग अलग जगह पे तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विरोध चला आ रहा है। इस दौरान किसानों और सरकार के बीच में कई बार वार्ता हुई, आमने सामने की बैठक हुई, किसानों ने अपनी बात सरकार के सामने रखी, सरकार ने भी किसानों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच में बात नहीं बनी और विरोध लगातार चला आ रहा था। और ये विरोध इस कदर बढ़ गया था कि पिछले एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया और किसान आज भी धरने पे बैठे हुए थे। किसानों का कहना था कि ये तीनों नए कृषि कानून किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। इसके विरुद्ध सरकार का कहना था कि ये तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में है, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी फसल का अच्छा मुनाफा उनको मिलेगा। लेकिन किसान सरकार की बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लगातार वो विरोध कर रहे थे और पिछले एक साल से ज़्यादा समय से वो इन तीनों नए कृषि कानून का विरोध करते चले आ रहे थे। सरकार और किसानों के बीच में वार्ता कई बार हुई लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हुई। वैसे तो किसानों की कई सारी मांगें थी, उनमें से दो मुख्य मांगें थी कि ये जो तीनों नए कानून हैं उन कानूनों को निरस्त किया जाए और कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से किसानों द्वारा किया जा रहा है ये संघर्ष, नए तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए उनके इस संघर्ष को नई दिशा और रोशनी मिली है। आज के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में क्या कुछ कहा। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था।
कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज का ये इंसिडेंट आने वाले समय में याद किया जाएगा। किसानों का यह प्रोटेस्ट आने वाले समय में अमर हो गया है। किसानों के सामने सरकार झुकी है या किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया है, या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, इसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतिहास इस चीज़ को ज़रूर याद रखेगा कि किसान 18 से ज़्यादा महीनों तक प्रोटेस्ट करते रहे और उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा, अपने घुटनों पे झुकना पड़ा। जो सरकार ये कह रही थी कि नहीं, किसी भी दशा में हम 3 नए कृषि कानून को वापस नहीं ले सकते, वो ही सरकार आज किसानों के सामने झुक गई है। आपको क्या लगता है, ये सरकार की कोई नई स्ट्रेटजी है या कोई नया पॉलिटिकल स्टंट, या सच में किसानों के हित में किया गया फैसला? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप अभी बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस नए 3 कानून को वापस लेने के संबंध में। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय किसान यूनियन, जय भारत।